हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग इस पावर बैंक को देखेंगे और ये पावर बैंक है एम्ब्रेन का। ये 20,000 mAh का पावर बैंक है और बहुत ही अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले 1 या 2 जुलाई को ये मैंने अमेजोन पे देखा था, अभी भी लॉन्च हुआ है। तो ये मैंने खरीद लिया है। 2 कलर में आता है, एक तो ब्लैक कलर में और एक वाइट कलर में। तो कैपेसिटी आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखी है 20,000 mAh और इस पावर बैंक का नाम है स्टाइलो 20। इससे पहले एक और पावर बैंक एम्ब्रेन बेच रहा था flipkart.com पे, जिसका नाम था PP20 और ये उसके बाद आया है। तो ये नया वर्जन है 20,000 mAh की कैटेगरी में, इसका नाम है स्टाइलो 20 और मॉडल नंबर जो इसका दे रखा है इन्होंने कंपनी ने वो है आपका PP20। तो ये इनका बॉक्स है, बॉक्स इनका काफ़ी अच्छा हो गया पहले से, पहले इतने अच्छे बॉक्स इंडिया में नहीं मिलते थे। खैर, ये इसका बॉक्स है और आप देख सकते हो काफ़ी इसका छोटा साइज़ में काफ़ी छोटा है और जो PP20 था जो मॉडल वो काफ़ी बड़ा था, तो काफ़ी लोग कंप्लेन कर रहे थे कि वो उसको कैरी करना मुश्किल होता था। और ये पावर बैंक है तो काफ़ी छोटा है और इसकी कैपेसिटी भी अच्छी है और तो इसको आप इजीली अपनी पॉकेट में कैरी कर सकते हो। इसका डब्बा है, डब्बे के साइड में कुछ इसके बारे में बता रखा है। तो इसकी कैपेसिटी दे रखी है 20,000 mAh, जो कि हमेशा उतनी नहीं होती है क्योंकि जो कैपेसिटी लिखी रहती है वो होती है हमारी 3.7 वोल्ट पे। और हम पावर बैंक से लेता कितना है, हम लेते हैं पावर बैंक से 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट पे जब हम लेते हैं तो कैपेसिटी कम हो जाती है। 2 USB आउटपुट मिल जाएंगे, यानी कि आप दो चीज़ इससे एक बार में चार्ज कर सकते हैं। और जो बैटरी इसके अंदर है वो है लिथियम पॉलीमर टाइप की बैटरी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको 2 इनपुट मिल जाएंगे, यानी कि इस पावर बैंक को अगर आपने चार्ज करना है तो आप 2 तरीके से चार्ज कर सकते हो। अगर आप माइक्रो USB से करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, आप USB-C केबल से चार्ज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो यानी कि 2 तरीके से आप चार्ज कर सकते हो। इसमें फ़ायदा यह है कि अगर एक पोर्ट कभी आपका ख़राब भी हो गया तो आप दूसरा पोर्ट का इस्तेमाल करके पावर बैंक को इस्तेमाल कर सकते हो चार्ज करने के लिए। एक यूनिक फीचर इसका यह भी है कि इस पर फेदर टच बटन मिलता है, यानी कि दूसरे पावर बैंक में आपको बटन दबाना पड़ता है, इसमें आप बटन को टच कर सकते हैं और ये आपको बता देगा कितनी कैपेसिटी आपके पावर बैंक के अंदर बची हुई है। और जो करंट रेटिंग इसके ऊपर लिखी हुई है वो है 2.4 एम्प, तो 2.4 एम्प का करंट आपको ये आसानी से दे सकता है। डब्बे के पीछे आप देखेंगे तो इसकी चार्जिंग टाइम दे रखा है और मेरे को इस पावर बैंक को इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 8-9 दिन हो गए हैं। उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ क्या क्या इसमें मेरे को प्रॉब्लम लगी और क्या ये पावर बैंक लेने लायक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट डब्बे को खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर आपको क्या मिलता है। और ये जो USB-C और माइक्रो USB का डुअल इनपुट फीचर है ये आपको ज़्यादा पावर बैंक में देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरे ख्याल से एम्ब्रेन के पावर बैंक में भी है, में ही है अभी फ़िलहाल, जिससे आप 2 वायर से इसको चार्ज कर सकते हो, या तो माइक्रो USB से या तो USB-C से। यानी कि अगर आपके पास USB-C वाला फ़ोन है तो आपको पावर बैंक चार्ज करने के लिए माइक्रो USB केबल नहीं खरीदनी पड़ेगी, आप उसी फ़ोन की केबल से USB-C केबल से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो इसको खोलते हैं फटाफट। और जैसा मैंने बताया, मैंने इसको पहले ही खोल के टेस्ट किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर आपको मिलता क्या है। तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा इसके अंदर एक पावर बैंक, पावर बैंक निकाल लेते हैं, और एक आपको अंदर मिलेगा एक USB केबल, कुछ मैनुअल भी मिलेगा और कुछ इनका एडवर्टाइजमेंट का पैम्पलेट भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो मैं USB केबल फटाफट से निकाल लेता हूँ। ये USB केबल आ गई, उस डब्बे को साइड में रखते हैं क्योंकि इसके अंदर अब कुछ नहीं बचा है। ये मैनुअल भी हमारे कुछ काम की नहीं, ये भी साइड में रखते हैं। तो नज़र डालते हैं खाली USB केबल पे। तो USB केबल जो आपको इसके साथ मिलती है वो है माइक्रो USB। बेहतर होता कि वो कम से कम 2 USB केबल देते, क्योंकि इतनी बड़ी केबल नहीं है, छोटी केबल है, तो कम से कम 2 केबल दे देते। एक तो माइक्रो USB जो इन्होंने दी है, तो ये केबल माइक्रो USB है। अगर USB-C केबल भी देते तो बहुत ही बेहतर होता। अब इसको देख लेते हैं पावर बैंक को। यह है आपका पावर बैंक और पावर बैंक के ऊपर इन्होंने ऐसा टेप लगा के भेजा था। मेरे को समझ नहीं आया इन्होंने क्यों लगाया था, क्योंकि जब मैंने टेप हटाया तो इसके ऊपर थोड़ा सा रेजिड्यू टेप का रह गया। आप देख सकते हो मैंने इसको फुल चार्ज किया हुआ है, तो इसके अंदर 4 LED आपको मिलती हैं देखने को। जब फुल चार्ज होता है तो ये 4 LED आपको दिखती हैं। ये आपके 2 USB चार्जिंग पोर्ट है, तो 2 चीज़ें आप एक साथ इसमें चार्ज कर सकते हो। और आप देख सकते हो साइज़ काफ़ी स्मॉल है इसका, और आपकी जो शर्ट की पॉकेट होती है ऊपर वाली उसमें भी आसानी से फिट हो जाता है। ये इतना मोटा है और सामने से ऐसा दिखता है और पीछे से ऐसा दिखता है। पीछे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, मॉडल नंबर लिखा हुआ है PP205, कैपेसिटी है 20,000 mAh की और इनपुट दे रखा है 5 वोल्ट 2.1 एम्प, यानी कि आप 5 वोल्ट के चार्जर से जो 2.1 का एम का है उससे चार्ज कर सकते हो। और इसकी जो आउटपुट है वह है 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर की। तो ये जो बटन यूनिक फीचर मैं आपको बता रहा था फेदर टच, वो ये है कि आप इसको हल्का सा टच करोगे, देखो मैं टच करता हूँ और देखो ये आप इसको इसने आप अपनी कैपेसिटी दिखा दी। अब इसको बंद करने के लिए आपको क्या करना है, ये अपने आप थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है, लेकिन अगर आपको खुद से बंद करना है तो इसको डबल टैप करेंगे और ये बंद हो गया। देखो
तो ये डबल ये फेदर टच का फीचर इसी पावर बैंक में आपको मिलेगा। बॉडी जो है काफ़ी ठीक है, मुझे देखने में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं लग रही है, पकड़ने में भी काफ़ी सॉलिड पावर बैंक लग रहा है, और जो केबल इन्होंने भेजी है वो भी काफ़ी ठीक ठाक क्वालिटी की है। अब इसमें एक दिक्कत मेरे को ये देखने को मिली जब से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो माइक्रो यूएसबी पोर्ट इसमें मिलता है नीचे वाला, ये थोड़ा सा टाइट है और इसमें माइक्रो यूएसबी केबल डालने में थोड़ी सी दिक्कत स्टार्टिंग में आपको होगी, पर जैसे जैसे आप इसको थोड़ा बहुत इस्तेमाल करोगे, स्टार्टिंग में एक दो बार थोड़ा सा ध्यान से आप लोग इसमें डालना केबल, उसके बाद आप इसमें केबल आपकी आराम से जानी चली शुरू हो जाएगी। और ऊपर देखें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है 20,000 mAh, तो पावर बैंक देखने में काफ़ी बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं इसके डब्बे के ऊपर और इन्होंने क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं चार्जिंग टाइम की। तो मैंने जब इसको पूरा ड्रेन करने के बाद मैंने इसको चार्ज किया तो मेरे को इसको चार्ज करने में लगे कम से कम 10 घंटे। तो अगर आप 2 एम्पियर का चार्जर इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि 5 वोल्ट 2 एम्पियर जो चार्जर आपको देता है, ऐसा चार्जर आपके पास है तो इस पावर बैंक को चार्ज करने में आपको लगेंगे कम से कम 10 घंटे, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अब बात करते हैं इस पावर बैंक की कैपेसिटी की। तो जब मैंने इसको चार्ज किया तो मेरे पास जो है मोटो G5 प्लस है और मैंने उसको कम से कम 5 बार मैं इससे उसको चार्ज कर पाया। मैंने जो फ़ोन था कम्प्लीटली जीरो नहीं किया था, पूरा डेड फ़ोन नहीं हुआ था, तो कभी 1% था कभी 2% था, तब मैंने इसको अपने फ़ोन को चार्ज किया तो तकरीबन 15,000 इसने मेरे को दे दिया। और जो कैपेसिटी है इसकी वो है 20,000, तो 20,000 में से आपको सिर्फ 15,000 mAh ही देखने को मिलेगा। और अगर आपका फ़ोन बिल्कुल डेड है और डेड से अपना फ़ोन चार्ज कर रहे हो हर बार, तो आपको तकरीबन 14,800 mAh कुछ आपको देखने को या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। सबसे बढ़िया बात इसकी यह है जो यूनिक है वो ये है कि इस पे 2 चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, यानी कि USB-C और माइक्रो USB। तो जिन लोगों के पास USB-C वाला फ़ोन है वो सेम केबल से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको एक ही केबल ले जानी पड़ेगी, और जिनके पास माइक्रो USB वाला फ़ोन है उनको भी एक ही केबल ले जानी पड़ेगी फ़ोन को चार्ज करने के लिए और पावर बैंक को चार्ज करने के लिए। तो ये है इस पावर बैंक का सारी कहानी। पिछले 8-9 दिन में जब से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरे को कोई इसमें दिक्कत देखने को नहीं मिली है। इसकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है और जो इसकी पावर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा स्लो फ़ोन ज़रूर चार्ज करता है, वो सारी पावर बैंक आपका फ़ोन स्लो चार्ज करते हैं अडाप्टर के मुकाबले, लेकिन जो इसकी लुक है और जो इसकी कॉम्पैक्टनेस है वो काफ़ी बढ़िया है। तो ये कहीं भी आराम से आप कैरी कर सकते हैं, हाथ में इतना बड़ा भी नहीं लगता है, और मेरे को ये पावर बैंक काफ़ी अच्छा लगा। और इसका जो यूनिक फीचर ये भी है कि इसमें जो आपको टच बटन मिलता है जिसको आप एक बार टच करेंगे तो आपको दिखा देगा ये कितना इसमें वो है, और दोबारा डबल टैप करेंगे तो इसका ये LED बंद हो जाएगी, यानी कि पावर बैंक बंद हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर था। तो ये था मेरा वीडियो इस पावर बैंक का। मेरे हिसाब से तो आपको अगर पावर बैंक लेना है 20,000 mAh का तो आप इसको ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा पावर बैंक मेरे को ये लगा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू।